FA2 कैप्लान एग्जाम का इट्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 रीड कर लें। ट्राई आर प्रॉपर्टी बिजनेस रिसीव्ड कैश टोटलिंग 8,38,600 फ्रॉम टेनेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2000 XX। फिगर्स फॉर रेंट इन एडवांस एंड इन एरियर्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वर एज फॉलोज। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए, ऊपर उसने रिसिप्ट बताती है रिसीव कितना हुआ है रेंट, और ये ओपनिंग क्लोजिंग है। व्हाट अमाउंट शुड अपीयर इन ट्रॉयज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड फॉर रेंटल इनकम। तब इसमें रेंट इनकम का टी अकाउंट बनेगा, राइट। टी अकाउंट बना लेते हैं रेंटल इनकम का। रेंट इनकम पहले, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कौन से हैं, क्लोजिंग कौन से होंगे। December 31, 2000 X5, December 31, 2000 X6। तो X5 वाले ओपनिंग हो जाएंगे और X6 वाले क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कॉपी करते हैं। पहले लिखा हुआ रेंट्स रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये प्रीपेड हो गया, और एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस है 88,700, ये डेबिट हो जाएगा 88,700। के बाद है रेंट इन एरियर्स ऑल सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड। अच्छा, रेंट इन एरियर्स तो ये एक्रीड इनकम है, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पर 42,300, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर 48,400। ठीक, ये तो हो गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब रेंट रिसीव कितना किया हमने, 8,38,600। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट 8,38,600। यहां लिख लेते हैं कैश, सही। ओके, अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 9,89,600, और इसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, माइनस करें 8,58,600 बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये होंगी हमारी करंट ईयर की रेंट इनकम, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दें। तो आंसर होगा 8,58,600, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कौन सी, 9,89,600। एक मिनट, ये मैंने यार टोटल गलत, यहाँ पे गलत लिखा है, 9,89,600 है। टोटल ये था 9, ओके। तो ठीक है, अब आ जाए, कॉपी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है 165। 165 का डिटेल्स ऑफ बर्लेट्स इंश्योरेंस पॉलिसी आर शोन ब्लो। प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 X6 पेड इन अप्रैल 2000 X5 10,800, और उसके बाद 12,000 पे कर। व्हाट फिगर शुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ओके, ईयर एंड कब हो रहा है, 30 जून को, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जुलाई। इसमें हमें वही टाइमलाइन बनाएंगे 165, टाइमलाइन बनेगी, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका ईयर एंड है जून 30 को, तो ये स्टार्ट हुआ होगा जुलाई 1 को, जुलाई 1 से जून 30। अब इसमें देखिए पेमेंट्स कब कर रहे हैं, वो अप्रैल 5 और अप्रैल 6। अप्रैल 5 यहाँ कहीं होगा, इससे पीछे, तो अप्रैल में से पहले पेमेंट ये 10,800, और ये अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए होगा ना, जुलाई मार्च 31, और यहाँ पे वो पे करेगा अप्रैल 1 को, पे कर रहा है कितने,
12,000 नेक्स्ट ईयर के मार्च तक का रेंट इंश्योरेंस हो जाएगा। अब हमें चाहिए जुलाई से लेकर जून तक के इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो पहले आप लेंगे जुलाई से मार्च तक। जुलाई से मार्च कितने मंथ हुए? जुलाई से मार्च, मार्च से जुलाई नहीं कह रहा, जुलाई से मार्च 9 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इंश्योरेंस एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अब लिखेंगे इसमें से 10,800 में से 9 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे आप 12,000 में से। अप्रैल से मई जून तक कितने मंथ्स रह गए? 3 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएंगे। ये बताएं 9 मंथ्स का अमाउंट कितना बन रहा है? 8,100 प्लस 3,000, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे 11,100 आएंगे। टोटल आपके एक्सपेंस हो जाएंगे 11,100 इंश्योरेंस एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जब देखिए जून में एंड हो गया है तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स के प्रीपेड होंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा 12,000 इंटू 9/12, 9,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा ए, करेक्ट आंसर। कॉपी कर लें। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट है इसको थोड़ा सा, इसमें एक इतनी लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें तो उसमें आपने करना क्या, सबसे पहले आप ये देख लें फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, कब एंड हुआ है 30 जून, और पेमेंट की डेट क्या है, अप्रैल में पे कर रहे हैं ना। अच्छा फिलहाल हम देखेंगे करंट ईयर को देखते हैं। आज 30 जून है, ईयर एंड हुआ, करंट ईयर की पेमेंट हमने कब की है? अप्रैल। तो अप्रैल से लेकर तो यहां लिखते हैं आप अप्रैल 1, और ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, फाइनेंशियल ईयर जून में ना। करंट ईयर को हम देखेंगे, सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं अभी, जून में एंड है ना ये, फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है जून, और पेमेंट हाँ की डेट क्या है हमारी अप्रैल। फिलहाल हम सिर्फ करंट ईयर की पेमेंट को देखते हैं। करंट ईयर में हमने पे कितने किए, पे किए होंगे अप्रैल में, जून में ईयर एंड हुआ तो अप्रैल से जून कितने मंथ्स हुए? अप्रैल से जून 3। अब हमें इंश्योरेंस एक्सपेंस कैलकुलेट करने, तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर की पेमेंट है 12,000, इसमें से आप 3 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इससे पीछे कितने मंथ्स रह गए? 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट ईयर की पेमेंट। लास्ट ईयर हमने कितना अमाउंट पे किया? 10,800 इंटू 9/12, तो अब ये 3 मंथ्स के एक्सपेंस हो जाएंगे आपके 3,000, और 9 मंथ्स के एक्सपेंस 8,100, टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे आपके 11,100। ठीक है, वही आंसर आ गया। अच्छा प्रीपेड के लिए सब देखिए, करंट ईयर में से हमने पे किए थे 12,000, करंट ईयर में हमने 12,000 पे किए, जिसमें से 3 मंथ्स आपके एक्सपेंस हो गए यहाँ पर, तो बाकी 9 मंथ्स प्रीपेड होंगे, 9,000 आपका प्रीपेड आ गया। तो इसमें एक बार एक छोटी सी एक टाइमलाइन बनेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आपने क्या करना है, रिपीट कर देता हूँ, ईयर एंड आपने नोट किया, फाइनेंशियल ईयर, पेमेंट की डेट आपने मार्क की, मंथ्स काउंट करके जो करंट ईयर की पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर। अब जो बाकी मंथ्स रह गए हमारे 9, उसे हमने लास्ट ईयर की पेमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके करंट ईयर के एक्सपेंस। ठीक है, और जो करंट ईयर की पेमेंट है उसमें से बाकी आपके प्रीपेड हो गए। तो ये क्या आपका थोड़ा सी कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई।
रिकॉपी कर लें। नहीं समझ आया? हाँ समझा दें। कि इसको भी हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखे, वाइन सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस एकोमोडेशन। अब ये रेंट पे दे रहे हैं, द रेंट इज रिसीव्ड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अच्छा रेंट अब इसको क्वार्टरली रिसीव हो रहा है, एनुअली नहीं मिल रहा। जैसे ये पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें एनुअली रेंट मिल रहा था, एनुअली पे कर रहे थे। यहाँ पे एनुअल अमाउंट एनुअल दिया हुआ, लेकिन रिसीव उसको क्वार्टरली हो। एनुअल रेंटल हैज बीन 24,000 फॉर सम ईयर, बट इट वाज इंक्रीज टू 30,000 फ्रॉम 1 जुलाई। व्हाट अमाउंट फॉर रेंट शुड अपियर इन फाइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड जनवरी 31। अब उसी तरह करेंगे शॉर्टकट, ईयर एंड कब हो रहा है, जनवरी 31, 166। यहाँ पर पहले अपना ईयर एंड नोट कर लेते हैं, ईयर एंड हो रहा है हमारा जनवरी 31 को ना, यहाँ लिख लें जनवरी 31। तब ये रेंट में चेंज कब से आया, 1 जुलाई से चेंज हुआ है ना, करंट ईयर को हम देख रहे हैं, करंट ईयर का रेंट चेंज कब हुआ, जुलाई 1, जुलाई से जनवरी 31, कितने मंथ हुए, कितने मंथ हुए, 7 मंथ हो जाएंगे ना। 7 मंथ की इनकम तो हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट ईयर के रेंट में से। 30,000 करंट ईयर का रेंट है, जुलाई से चेंज हो रहा है, तो जुलाई से जनवरी 7 मंथ हुए, तो 7 मंथ की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर के रेंट से, 7/12, ठीक है। अब जनवरी जुलाई से पीछे कितने मंथ रह गए, 7 इधर है, तो बाकी बचे 5। 5 मंथ का रेंट इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट ईयर के रेंट, यानी कि 24,000, 5/12। ये 7 मंथ की इनकम कितनी होगी, 17,500 प्लस 5 मंथ के रेंट इनकम, 10,000। टोटल रेंट इनकम आपकी हो जाएगी 27,500। फिर अब हमें चाहिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट इनकम। पहले इसको जरा एनुअल कितना रेंट है, 30,000 एनुअल, इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर ले। पहले काम करते हैं, इसको पहले क्वार्टरली में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वार्टरली रेंट। वैसे तो आप इसको एनुअल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करंट ईयर कितना, 30,000 पर ईयर है, तो क्वार्टरली कितना होगा, 4 करेंगे, 7,000, ये आपका क्वार्टरली रेंट हो जाएगा। अब हमें प्रीपेड रेंट इनकम कैलकुलेट करनी है, 7,500 में से। मतलब देखिए, ईयर एंड हुआ था 31 जनवरी को, लास्ट रेंट हमने कब रिसीव किया होगा। अब ये ऊपर 4 डेट्स हैं आपके पास, इनमें से किस डेट पर हमें लास्ट रेंट रिसीव हुआ होगा, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। ईयर एंड हो रहा है 31 जनवरी, 31 जनवरी से पहले 1 अक्टूबर आता है या 1 जनवरी आता है, 31 जनवरी से पहले 1 अक्टूबर आता है, 1 जनवरी आता है, 1 जनवरी आता है, तो लास्ट रेंट हमें रिसीव हुआ होगा 1 जनवरी को, और ये होगा जनवरी फरवरी मार्च का रेंट। तो फरवरी और मार्च 2 महीने का प्रीपेड हो जाएगा। 7,500 को मल्टीप्लाई कर लें 2/3 से, ये 5,000 प्रीपेड रेंटल इनकम। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कॉपी कर लें जी। नेक्स्ट है वो 167,
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 167 इसमें बनेगा टी अकाउंट। ओके द 167 इसमें एक टी अकाउंट बनेगा। फॉर्मेट कॉपी करते हैं, मोटर एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 167, मोटर एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। ठीक है, पहले इसने हमें प्रीपेड दिया ना, शोर्ट 1 सितंबर को शोर्ट 4 मंथ्स इंश्योरेंस प्रीपेड 80। ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा डेबिट 80 से, और पेट्रोल एक्रूड ऑफ 95। ये एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पर आ गया 95। ये ओपनिंग बैलेंस हो गए। सब लिखे ड्यूरिंग सितंबर आउटस्टैंडिंग पेट्रोल बिल इज पेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल कितना था? 95। ये हमने पे किया, ये मोटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये एक पेमेंट हो गई, जिसके बाद लिखा है प्लस फर्दर बिल्स ऑफ 245। फर्दर बिल्स हमने पे किया तो 245 भी डेबिट कर आ जाएगा। के बाद है 30 सितंबर, देयर इज अ फर्दर आउटस्टैंडिंग पेट्रोल बिल ऑफ 120। 30 सितंबर मंथ एंड की बात हो रही है, एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा डेबिट साइड पर 120। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर अब एक प्रीपेड का कैरी डाउन भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है 80 का, ये कितने मंथ्स का प्रीपेड है और डेट क्या दी है? 1 सितंबर को 4 मंथ्स का इंश्योर मोटर एक्सपेंस प्रीपेड है ना, और इसका मंथ एंड कब हुआ? 30 सितंबर। तो ये जो हम टी अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ 1 महीने का टी अकाउंट है, 1 मंथ। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 1 महीने का टी अकाउंट बन रहे हैं। अब ये जो 4 मंथ्स के 80 हमारे प्रीपेड थे, तो इसमें से 1 महीने के एक्सपायर हो गए, एक्सपेंस बन गए, बाकी 3 महीने के अभी भी प्रीपेड होंगे ना। 80 में से 3 मंथ्स का इंश्योरेंस अभी भी प्रीपेड है, क्योंकि जो टी अकाउंट हम बना रहे हैं सिर्फ 1 मंथ का बन रहा है। अब हम प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। होगा आपका 80 इंटू 1/4, लेकिन 3/4 आएगा, 3/4 60। ये बनेगा आपका एक्रूवल्स का प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस। ये इसमें एक हिडन पॉइंट था, राइट? अब अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 540, क्रेडिट साइड माइनस करें, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 385। 385 हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के मोटर एक्सपेंस, और ये ऑप्शन होगा ए। अच्छा, एडिशन जो किट का पुराने में, बस इसमें तो आपको हर जगह ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, एमसीक्यूज हैं। आपने जो नई किट लेंगे उसमें आपको कुछ कई जगहों पर ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है? तो क्योंकि पहले ब्लैंक्स नहीं आती थी, अब एग्जाम में ब्लैंक्स भी आती है। नेक्स्ट 168। और किसका आंसर आप लोग बताएं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 168 ऑप्शन ए। तो यहाँ पर क्या है? रेंट है, रेंट एक्सपेंस 1800 इंटू 7/12, एक्सपेंस हो जाएंगे 1050, और प्रीपेड रेंट होगा 1800 इंटू 5/12, 750। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 169। 169 गर्दागिरी, घर वालों को बुलाना पड़ता है, पढ़ते हैं नहीं, क्या पढ़ते हैं आप? मोदी
अच्छा मोटिवेशन क्यों डाउन हो रहा है। तो पूछ क्यों नहीं, नहीं साथ साथ पूछा करें तो। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ इसमें ओपनिंग बैलेंस है एक्रीड है ना, 300 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद ये पेमेंट्स हैं, 600 पे कर रहे हैं डेबिट। नेक्स्ट हमने पेमेंट की 720 डेबिट। 900 पे कर रहे हैं डेबिट। लाइन इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पेमेंट हो रही है 840। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, तो अब देखें लास्ट कल हमने पे किया है 840 का, कब पे कर रहे हैं 30 जून को, और वो कब तक का बिल है, अप्रैल तक का बिल। तो लास्ट हमने बिल पे किया अप्रैल तक का, और उसका ईयर एंड कब हो रहा है, पर ये जून 30 को ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। लास्ट बिल हम पे कर रहे हैं अप्रैल तक, तो मई और जून 2 महीने का बिल अनपेड है, एक्रीड है। 2 मंथ के एक्रूअल्स कैलकुलेट कर लेंगे, एक्रीड एक्रूअल्स निकालते। अब लास्ट बिल की बेस, लास्ट बिल था 840, 840 से हम 2 मंथ के एक्रूअल्स कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 560। और ये एक्रूड एक्सपेंस है, तो इसका ये क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड पर 560। अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3620, माइनस करें 300, 3320 बैलेंसिंग फिगर। और ये होंगे हमारे करंट ईयर के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। कॉपी कर लें, नेक्स्ट है 170। क्वेश्चन नंबर 170, 170 ओके। इसमें हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ठीक है बताना है, ठीक है। इसमें देखिए लोन कितना है 1 लाख का, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। अब यहाँ पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख का लोन है और 12% एनुअल रेट है, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा, 12,000 ठीक है। अब ये लोन लिया कब इसने, जनवरी 1 को, ईयर एंड कब हो रहा है 30 सितंबर, तो जनवरी 1 से 30 सितंबर हो गए 9 मंथ, तो 9 मंथ का एक्सपेंस चार्ज होगा कितना, 9,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस अब हम चार्ज करेंगे 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा इंटरेस्ट पेबल कितना होगा, इंटरेस्ट पेबल देखिए पेमेंट की डेट्स क्या है इसकी, इंटरेस्ट इज पेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। तब लोन हमने लिया जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट हम पे करेंगे 1st अप्रैल को, और अप्रैल में जून का इंटरेस्ट पे करेंगे 1st जुलाई को, जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट पे होगा 1st अक्टूबर, और ईयर एंड हो रहा है इसका 30 सितंबर, तो जो लास्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो पे नहीं हुआ, वो एक्रीड हो जाएगा ना। लास्ट 3 मंथ्स का रेंट आपका पेबल होगा। तो अब आप 12,000 से ही 3 मंथ्स का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,000 एक्रीड इंटरेस्ट हो जाएगा, पेबल इंटरेस्ट, एक्सपेंस हुए 9,000 और पेबल 3,000। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।